हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके टेक्निकल्स देखेंगे, इसके और भी एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ये जो गिरावट चल रही है ये कब तक चलेगी, इस शेयर के अंदर कब तक चल सकता है, कहाँ तक ये नीचे जा सकता है। दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों, आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस शेयर की, आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, ये जो आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर है, दोस्तों पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। बहुत लोग एक्चुअली यहाँ पे देखे हम लोग तो ये जो है पिछले वीक में पूरा पिछला वीक इसने लोअर सर्किट लगाया है, पूरा पिछला वीक। एक्चुअली लोग बेच रहे हैं मगर वहाँ पे खरीदने के लिए कोई है भी कि नहीं, वो एक्चुअली लोग जानना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, BSE के साइट पे आया हूँ मैं। यहाँ पे एक सेक्शन देखेंगे हम लोग, जहाँ पे हम देखेंगे कि 25 तारीख को इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में ट्रेड किया गया। दोस्तों, इसके अंदर 88,54,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, ठीक है। उसमें से डिलीवरी 47% की उठाई गई है। दोस्तों, डिलीवरी इतनी मात्रा में डिलीवरी कोई उठा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं 47% की डिलीवरी उठा रहा है, मतलब कोई बड़े प्लेयर ही इसके अंदर डिलीवरी उठा रहे हैं। तो मेरा तो ये आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर अभी हम अगर बात करें तो क्या हमें बेसिकली इसके अंदर बने रहना चाहिए या नहीं, पहले बात कर ले इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों, ये जो कंपनी है 1986 के अंदर सुरेंद्र जीव रा जीवा कजा उन्होंने एक्चुअली ये फाउंड की थी। पुणे के अंदर एक्चुअली उनका बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसको और भी कंपनीज हैं, जैसे कि सब्सिडरीज कंपनी है ग्लोबल एलोका, इम्प्लेक्स, अपरेल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिलायंस ने सिर्फ इसकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो एक्चुअली वो सब कुछ खरीद लिया है, ठीक है। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ना वो खरीद ली, वो इसी के अंदर आता है सारा जो काम है वो। दोस्तों, एज ऑफ नाउ रिलायंस के अंदर ये बेसिकली जा चुकी है, CCA के अप्रूवल के लिए ये रुका हुआ है। तो क्या हमें इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं, पहले देख लेते हैं रेवेन्यू मॉडल कैसा है इसका। रेवेन्यू मॉडल की बात करें यहाँ पे तो कॉटन वॉन, ओवन, स्निविंग शटिंग, टेरा टॉवेल, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर आपको जैसे पता होगा कि रिलायंस जो था पहले पॉलिस्टर के बिजनेस में था। ये जो पॉलिस्टर यान है ना, इसी बिजनेस से धीरूभाई अंबानी ने एक्चुअली उनका बिजनेस चालू किया था, इसी पॉलिस्टर यान से ही, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फिर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला। इंडिया से 73% का रेवेन्यू आ रहा है इनका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और USA से भी 12% का रेवेन्यू आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही घटिया है और कंपनी का रेवेन्यू मॉडल जो है वो घटिया है। यहाँ पे इसके फाइनेंस प्राइस फोरकास्ट देख लेते हैं, कोई भी इसको बाई की रेटिंग नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल देख लेते हैं, फाइनेंशियल बहुत बढ़िया एक्चुअली हमें आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे रेवेन्यू देखे तो रेवेन्यू जो है वो पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, मगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में हमें दिख सकता है 2018 में ये कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 18,000 करोड़ का, और 2019 में 2,000 करोड़ का नेट इनकम किया और इस साल 1,300 करोड़ का। EPS भी देखे तो EPS भी थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि शेयर की प्राइस जो है गिर गई है। दोस्तों, कंपनी घटिया नहीं है, कंपनी का होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, DII के पास थोड़ी सी होल्डिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास में थोड़ी होल्डिंग है। FII मेरे ख्याल से इसके अंदर होल्डिंग बेची है FII ने। म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड ने ना इसके अंदर खरीदी की ना इंटरेस्टेड है। सारा माल जो है ना रिटेल निवेशकों के पास है, मतलब आप और मेरे जैसे लोगों के पास है। और ऐसे शेयरों के अंदर है ना दोस्तों ऑपरेटर है ना बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। PE काफ़ी सस्ता है, 2.4 का है, बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है अभी भी कंपनी। दोस्तों, कंपनी वैल्यूएशन पे तो बहुत अच्छी है, फंडामेंटल भी कंपनी का अच्छा है, रिलायंस के साथ जुड़ने जा रही है, 1200% का रिटर्न बना के दिया है अब तक। लो, 1 रुपये 40 पैसे का था,
कहाँ तक एक्चुअली ये जा सकते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 15 से 16 रुपए तक ये जब तक नहीं जाएगा तब तक ये लोअर सर्किट बनाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर डिलीवरी उठाई जा रही है, और कुछ लोग एक्चुअली ऐसे वीडियो बना रहे कि आप लोगों ने बहुत ही ख़राब शेयर, घटिया शेयर उठा लिया है। मगर दोस्तों नए कुछ लोग अगर इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा रुकिए। ये शेयर जो है ना वो हो सकता है अपने को 18 रुपये के नीचे का रेट जब आएगा, 18 रुपये से नीचे का रेट, मेरे ख्याल से 2-3 सेशन के बाद 18 रुपये का नीचे का रेट आएगा, तब हम बाइंग करना थोड़ा थोड़ा चालू करिए। थोड़ा थोड़ा, बहुत स्लाइड स्लाइड, थोड़ा थोड़ा चालू कर दीजिए। और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले सालों में ये बहुत ही बेहतरीन बढ़िया रिटर्न बना के देगा। मेरे दूसरा ये सवाल है, बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली ऊपर के रेटों पे भी इसके अंदर फंसे हुए हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? दोस्तों मेरे ख्याल से लॉस में तो बिल्कुल मत बेचिए, बने रहिए, क्योंकि पेशेंस का ही एक्चुअली खेल होता है शेयर मार्केट के अंदर। पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अंदर पूरी खबर जब निकल के आएगी, कंपनी अच्छा कर रही है, फंडामेंटल अच्छा है, तो और मिड कैप कंपनी हो चुकी है स्मॉल कैप से, तो मेरे ख्याल से ये कंपनी आगे अच्छा करेगी और अभी साइडवेज जोन में ये चल सकती है। हो सकता है 15 से 18 रुपए के रेंज में ये चल, थोड़े एक साल तक ये चलती रहे और फिर उसके बाद में अपर मूव जो है ना वो दिखाएगी। तो पैनिक में आके इस शेयर को मत बेचिए अगर आपको लॉस हो रहा है तो। मेरे ख्याल से अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो लॉन्ग टर्म में बने रहिए, और मेरे ख्याल से अगर आप नई बाइंग करना चाहती है तो थोड़ा रुक जाइए। 15 रुपये के नीचे के लेवल ये जब दिखाएगा तो थोड़ा थोड़ा बाइंग करके, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके ये शेयर को उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।